आले जनाब टीपू सुल्तान अज़हरी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें खलीफे गुलजार मिलत ग्रुप पर नागौर राजस्थान से याद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने हमसे ये पूछा है कि नात खां और मुकर्रीन का अपनी ज़ात के लिए पैसे तय करना कैसा है, और जो आलिम कहे कि जायज़ है उस आलिम पर क्या हुक्म है शरा है। मुहिब मोहतरम, याद रहे कि अपनी ज़ात के लिए पहले ये याद रखें, ताआत व इबादात पर उजरत लेना हराम है, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक खुद उमदा ताआत व अजल इबादात से है, और ताआत व इबादत पर फीस लेनी हराम है, उजरत लेनी हराम है। मबसूत फिर खुलासा और आलमगिरी में है, ला यजूजुल इस्तिजार वला ताआत का तदकीर वला यजबुल अजर, कि नेक कामों में उजरत लेना जायज नहीं, जैसे वाद करना, और उजरत वाजिब नहीं होगी। बताबा हिंदिया किताबुल इजारा अलबाबु सादिस अशर। इसी तरह खुलासा फिर तातरखानिया फिर हिंदिया में है, अलवाइद इदा सअल अन्नास शग्गन फिल मजलिस लिनफ्सिही ला यहिल्लु लहु दालिका लिअन्नहु इक्तसाबु दुनिया बिल इल्म, कि जब वाइद वाज करने वाला मजलिस में अपने लिए कुछ मांगे तो उसके लिए ऐसा करना हलाल नहीं, क्योंकि इसमें इल्म के साथ दुनिया का हुसूल है। फताबा हिंदिया किताबुल कराहा अलबाबुर राबे। मगर नजर बहाल जमाना कुरान अजीम की तालीम, दीगर दीनी उलूम आदान और इमामत पर उजरत लेना जायज़ है, हालांकि ये भी ताअत व इबादत हैं, मगर जायज़ है, जैसा कि मुताखिरीन ने अइम्मा ने मौजूदा ज़माने में शआएर दीन व ईमान की हिफाजत के पेश नज़र फतवा दिया है। रद्दुल मुहतार में है, अनल मुतकद्दमीन मनउ अखदल उजरता अलल अला ताअती वफ्तल मुताखिरून बेज़वाजिही अला तालीम वल अदान वल इमामा, काना मदहबुल मुताखिरीन वल मुफ्तबे, कि उलमा मुतकद्दमीन ने इबादात पर उजरत लेने से मना किया और उलमाए मुताखिरीन ने तालीम और अदान और इमामत पर उजरत जायज़ होने का फतवा दिया, और फतवा किस पर है, मुताखिरीन के मदहब पर ही दिया जाता है। मगर आला हज़रत फरमाते हैं, मगर महफिल मीलाद में खिताब करने और नात खाने के लिए रकम तय करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि असल ज़ाबते की बिना पर मना का हुक्म अब भी बाकी है मीलाद खानी वगैरह के मामले में। चुनांचे सैयदी आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि और बाकी ताआत मसलन ज़ियारत क़ुबूर, अमवात के लिए ख़त्म क़ुरान, क़िरात, मीलाद पाक और सारे बाकी ताआत मसलन ज़ियारत क़ुबूर, अमवात के लिए ख़त्म क़ुरान, क़िरात, मीलाद पाक, सैयदुल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातो तहियात पर असल ज़ाबते की बिना पर मना बाकी है, और उर्फ में मुकर्रर व मशहूर लफ्जन मशरूत की तरह है, लिहाजा इन बाकी उमूर पर उजरत मुकर्रर की गई या उर्फन मालूम है कि उजरत पर पढ़ रहे हैं या पढ़ाने वाले उजरत देंगे, अगर ये ना पढ़ें तो ना दें, और वो ना दें तो ये ना पढ़ें, तो ऐसी सूरत में लेना और देना नाजायज है, लेने वाला और देने वाला दोनों गुनहगार होंगे। और अगर उर्फ में ऐसा नहीं है बल्कि लोग अल्लाह ताला की रजा के लिए पढ़ें और दिल में किसी एवज का ख्याल ना करें, हत्ता कि यकीन भी हो कि ना देंगे उसके बावजूद पढ़ें, ऐसी सूरत में किसी लफ्जी या उर्फी तकर्रुर के बगैर पढ़ने वाले को दें तो कोई मुजायका नहीं है। ऐसी जगह जहां उर्फ में लेना देना होता है, पढ़ने वाले पहले शर्त करें कि हम कुछ ना लेंगे, और उसके बाद अगर देने वाले दें तो ये भी जायज है, क्योंकि सराहत फाइक होती है दलालत पर, जैसा कि फतावे काजी खां वगैरह में है। और अगर आप चाहें कि उजरत की शर्त पर पढ़ना हलाल हो जाए तो उसकी सूरत यह है कि कुर्रा और हुफाज हजरात को मुकर्रा वक्त, मसलन कोई दिन या हफ्ते या घंटा या साथ के लिए, किसी दिन के लिए मसलन सुबह से 10 बजे तक अपनी खिदमत के लिए या काम के लिए मुकर्रा उजरत जिस पर फरीकैन राजी हों अजीर बना लें, या एक रात के लिए तो इतने वक्त के लिए यह हजरात नौकर होंगे और अपने आप को पाबंद बनाना वाजिब होगा, तो उजरत पर रखने वालों को हक होगा कि वो जो चाहें खिदमत उनसे चाहें लें, उन्हीं खिदमत में से मीलाद खानी, कुरान खानी, बराए एसाल सवाब फला भी होगी। इस सूरत में देना जरूरी और लेना जायज होगा, क्योंकि अब उनकी जात से मुनाफा पर इजारा है, ताआत और इबादात पर नहीं। वल्लाहु तआला आलम। ये आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतवे का हमने खुलासा यहाँ पर पेश किया। साहिल ने सवाल में किया, अपनी जात के लिए यानी ताआत और इबादत पे वो तय नहीं कर रहा बल्कि अपनी जात के लिए अगर तय करे तो उसके बारे में क्या हुक्म। याद रहे, इससे समझ में आ गया कि अगर हक्कुल खिदमत के तौर पर मुतय्यना मुद्दत तक वक्त पर इजारा तय कर ले
तो जायज़ है कि ये ताअत पर इजारा नहीं है, और हुस्न जन यही है कि मुकर्ररीन इसी तरह से अपने वक्त की उजरत बतौर हक़ुल ख़िदमत लेते होंगे, ना कि अपनी तकरीर और नात खानी की। अलबत्त ज़रूरी है कि इसकी वजाहत कर दी जाए कि हम हक़ुल मेहनत के तौर पर ले रहे हैं, अपने वाज़ और नसीहत और नात खानी की जो है हम नहीं ले रहे हैं। इसकी वजाहत ज़रूरी होगी। अलबत्त ये बहुत ही बुरा अमल है और इंतहाई उलमा के लिए मायूब शह है कि लोग जो है उजरत और नजराने तय करते हों। ये सही तबीयत के में जो है ये हरगिज़ गवारा नहीं करती। उमूमन ये पेशावर मुकर्ररीन और खुतबा और नात खानों का तरीक़ेकार होता है जो मुखलिस और अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए काम करते हैं, यकीनन वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। बिलाशुबा ये शरान बड़ी मायूब बात है, अल्लाह ताला इससे बचाए, क्योंकि सारा अजर और जजा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मिलना है। दुनिया की चंद सिक्कों के लिए अपनी गैरत व इज्जत और दीन की हमीयत को बेचना ये नाकारों का काम हो सकता है, मुखलिसों का नहीं। हादा मईदी वल्लाहु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।